दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विंडोज के एक बेहतरीन फीचर के बारे में जिसका नाम है स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर की मदद से आप अपने विंडोज के किसी भी ऑप्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसकी पीडीएफ फाइल बना करके किसी को भी भेज सकते हैं। जिस तरीके से आप विंडोज के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से आप यहां पर किसी भी स्टेप को रिकॉर्ड करके उसकी पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस पीडीएफ फाइल को किसी भी अपने दोस्त या मित्र को भेज सकते हैं, जिससे उसकी बहुत ही ज्यादा मदद होने वाली है आपकी वजह से। तो दोस्तों इसे आप किस तरीके से कर पाएंगे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों विंडोज में स्टेप रिकॉर्डर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है PSR। PSR टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर स्टेप रिकॉर्डर के नाम से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप्स है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सेटिंग्स को ओपन करने के लिए यहाँ सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेटिंग्स। सेटिंग्स लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है। और उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ से ब्लूटूथ एंड डिवाइस पर जाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से मान लीजिए हम किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं और इस स्टेप को हम सामने वाले को भेजना चाहते हैं कि आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हम ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डिवाइस को सर्च किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने इतना ही स्टेप रिकॉर्ड करना था। इसके बाद हम यहाँ से अपने स्टेप्स को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ रिकॉर्डर पर आएंगे और यहाँ से स्टॉप एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे पॉज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं। तो स्टॉप एंड रिव्यू पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाई दे जाएगी और जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सबसे पहला स्टेप था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप था। इसके बाद जैसे हम यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद हम यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पर गए थे और उसके बाद यहाँ पर हमने सेटिंग्स टाइप किया था। सेटिंग्स टाइप करने के बाद हमने सेटिंग्स पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तरीके से सेटिंग विंडो ओपन हुई थी और उसी तरीके से आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा देख सकते हैं। हम यहाँ से ब्लूटूथ और डिवाइस पर गए थे और उसके बाद हमने यहाँ से सर्च वाला ऑप्शन ओपन किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्टेप्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप अपना कोई कमेंट ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइसेस और इसके बाद जैसे हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसके बाद आप इसे आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लिखा हुआ भी और इसके बाद आप इसे आसानी से किसी को भी सेंड कर सकते हैं और इसकी मदद से वो अपने काम को यहाँ से आसानी से कर पाएगा।